अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं तफसीलात पर। बदनाम जमाना चड्डी गैंग के दो अफराद के खिलाफ पीडी एक्ट का निफास। महाराष्ट्र के मुलजमीन चल्लापल्ली जेल में महरूस। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा के अहकाम। तेलंगाना में लॉकडाउन में 31 मई तक तौसी। आज सुबह से RTC बस खिदमात का हुआ दोबारा आगाज। नारायण पेट जकात वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से 150 यतीम व यसीर तलबा व तालिबात में राशन किट्स और फी कस 400 रुपए नकद रकम की तकसीम। अर्बन MLA बेगाला गणेश गुप्ता की जानिब से निजामाबाद में तरक्याती कामों का जायजा। तेलंगाना के 3 अजला कामारेड्डी जनगांव और नलगुंडा में कोरोना वायरस की कम्युनिटी ट्रांसमिशन की जाँच के लिए सेरो सर्वेलेंस का पहला मरहला मुकम्मल। कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशान। ऐसे में रियासत महाराष्ट्र पुणे से ताल्लुक रखने वाले 30 साल अक्षय कोतवाले ऑटो ड्राइवर अपनी शादी के लिए जमा की हुई रकम से माइग्रेंट वर्कर्स की मदद कर रहे। पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल्स नवाज को महाराष्ट्र से वापस नकल मकानी करने वाले मजदूर से रिश्वत की रकम लेने पर कर दिया गया मौतल। ईद की नमाज लॉकडाउन में भी अदा की जाएगी। घरों में और दैलान में पढ़ें, ये इस्लाम का शार है और अल्लाह की बड़ाई का दिन है। मौलाना अनीसुर रहमान खासमी। हैदराबाद की कंटोनमेंट जोन को छोड़कर सारी रियासत ग्रीन जोन में शामिल। तमाम दुकानें खुली रहेंगी। KCR चंद्रायन गुट्टा मोहम्मद नगर में कमारबाजी के अड्डे पर धावा करके टास्क फोर्स साउथ जोन ने 10 अफराद को कर लिया गिरफ्तार और उनके कब्जे से मोबाइल फोन और 31,000 रुपए नकद रकम कर लिए जब्त। महकमे रजिस्ट्रेशन से हुकूमत को 10 दिन में 78 करोड़ की आमदनी। 28,000 जायदादों का रजिस्ट्रेशन जारी। साल 10,000 करोड़ की आमदनी का निशाना। कोठी पर वाक़ एक मशहूर बैंक की इमारत का JHMC हुकाम ने करा दिया तख्लिया। COVID-19 से मुतासर एक मुलाजिम की मौत पर JHMC ने बैंक की इमारत का मुकम्मल तख्लिया कराने का किया फैसला। दिल्ली में ताक और जुफ्त बुनियाद पर दुकानात की कुशादगी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल। भोपाल शहर की एक जिले अदालत ने तबलीगी जमात से वाबस्ता 69 लोग जिसमें 54 गैर मुल्की भी शामिल शहर में कोरोना वायरस फैलाने के इल्जाम में भेजा गया जेल। मुखालिफ CAA एहतजाज। जामिया के तालिब इल्म आसिफ की गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ में सेक्शन 144 के तहत पाबंदियों को 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया। कोरोना वायरस के इलाज की तरकीब दरियाफ्त। बांग्लादेश के नामुर फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद तारिक आलम। मुल्क में गुज़िश्ता 2 दिन में कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा केसेस सामने आने से मुतासरीन की तादाद 1 लाख से ज्यादा। दुनिया में कोरोना वायरस से 46 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। WHO आलमी इदारे सेहत की ये रिपोर्ट। चीन के सूबे यनान के क्याओजिया काउंटी में जलजले से 2 अफराद की मौत और कम अज कम 13 दीगर जख्मी जबकि 1 शख्स को मलबे में फंसा हुआ बताया जा रहा। इसी के साथ स्पीड न्यूज इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए नेहा खान को इजाजत। खुदा हाफिज।